और अपने नाम के 15-20 ठेले चलाते हैं, एक परिवार एक ठेला, ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे किसी का कोई जानकार। अभी हाल ही में सवाईमाधोपुर में एक दिन 6 घंटे अधिकारियों ने अपने कार्रवाई चलाई है, और उस कार्रवाई करने के बाद में मौके पर खड़े रहकर मैंने लिख के दिया था कि एक भी गरीब व्यक्ति को यहाँ से विस्थापित नहीं करूँगा, नहीं मैंने, और मेरी कार्रवाई का कोई विरोध नहीं होता। आज इतनी छोटी सी रोड निकली, यानी कि मेरी खुद की गाड़ी उस रोड से नहीं निकल सकती थी, और आज ये जो हॉल है इसके 1.5 गुना रोड खाली पड़ी हुई, इतनी छोटी हो गई है वो रोड जहाँ से मेरी गाड़ी नहीं निकली, और एक जने को मैंने हटाया नहीं। जिंदगी में रहना तो खैर पसंद ही है, सवाईमाधोपुर तो धीरे धीरे बदलने लगा है, उसके लिए अपने लोगों से भी प्रयास किया, लोग भी आगे आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाईमाधोपुर का मैं उदाहरण दूंगा, मुझे भी शर्म आती थी जब मैंने जिला कलेक्टर ज्वाइन किया, जगह जगह गंदगी भरी, एक तरफ बात करते हैं कि ये हमारे गणेश जी की पावन धरती है, दूसरी तरफ हम देख आते हैं कि ये इंटरनेशनल फेम का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रणथंभौर का टाइगर हमारा वर्ल्ड फेमस है, और तीसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि राणा अमेरिका सॉरी है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, यहाँ का जल जौहर एकमात्र जल जौहर है, बाकी सब अग्नि के जौहर है। बातें करने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है सवाईमाधोपुर में, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी मेरे कई साथ लोगों ने भी कहा कि साहब गंदगी बहुत है, तो गंदगी आती कहां से? आज सवाईमाधोपुर शहर में मेरे पास में सिर्फ 25,000 घर है, और 25,000 घरों को क्या मेरे पास में उस शहर में ऐसे 1,000 में लोग खड़े नहीं कर सकता, जो 1,000 लोग डेली सुबह सिर्फ और सिर्फ 25 घरों को जाकर टोक देंगे, भैया प्लीज आपसे मेरा निवेदन है घर के बाहर कचरा नहीं, अपने घर के बाहर 10 कदम की सफाई तो कर दे। जो भी ग्रामीण चक्कर से आता होगा, मैं तो आज भी मेरे गार्डन में मेरे गांव में देखता हूँ, सुबह पहले दो ही काम होते हैं, तो जानवरों का काम और दूसरा घर के बाहर सफाई। आज भी मेरे परिजनों को मैं देखता हूँ, हमारे ओल्ड जो मेरी दादी है मम्मी है उनकी तो घर झाड़ू नहीं लेंगे सुबह सुबह, तो फिर पीछे बुरा कुछ नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति थी, हमारी विरासत थी, हम शहर में